हरियाणा के मूल निवासियों को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने वाले भाजपा जेजेपी गठबंधन की सरकार के हरियाणा स्टेट एम्प्लॉय ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने इस केस को एडमिट कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में SLP यानी विशेष अनुमति याचिका दायर करेगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हम इसके लिए संघर्ष जारी रखेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले सुनवाई में हाईकोर्ट ने फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें इंडस्ट्री ने आरक्षण के खिलाफ उनकी याचिका पर 15 जनवरी से पहले सुनवाई की मांग की थी, क्योंकि 15 जनवरी से ये एक्ट हरियाणा में लागू होना था और कोरोना के चलते हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई फरवरी में तय की थी। आपको बता दें कि हरियाणा के निवासियों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने वाले एक्ट को फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन व अन्य ने चुनौती दी थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर ये पूछा था कि क्यों ना वे सरकार के इस एक्ट पर रोक लगा दे, पर सुनवाई फरवरी में होनी है। इस मामले में दायर याचिका में रोजगार अधिनियम 2020 को रद्द करने की मांग की थी। याचिका में आशंका जताई गई थी कि इस कानून के लागू होने से हरियाणा से इंडस्ट्रीज का पलायन हो सकता है तथा वास्तविक कौशल युक्त युवाओं के अधिकारों का हनन है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।